Hi guys, how are you? As you, this is Dinesh Arjano ji. So, अपन लोग बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है? क्योंकि मैं दो लॉ खत्म कर चुका हूँ, सेकेंड और थर्ड. फर्स्ट ही हम लोग का छूट गया था, उसको भी आज क्लियर कर लेते हैं. वेरी इजी, वेरी सिंपल. सो न्यूटन्स का जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, न्यूटन में जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है उसके बारे में क्लियर कर लेते हैं. तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम ही रहेगी, या अगर गतिशील अवस्था में तो गतिशील ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाय बल नहीं लगाया जा सकता. एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा देते हैं. मान लो कि आपके पास यहाँ पे कोई बॉडी रखी है, ठीक है, एम द्रव्यमान की कोई बॉडी है, ठीक है, या एम वन हो गया, एम टू, मैं दो बॉडी ले लिया, ठीक है, समझे आपको, एम वन एम टू दो द्रव्यमान की हमारे पास बॉडी है, ठीक है. तो ये बॉडी रेस्टिंग फेज में है, ठीक है. एक ये एम वन नाम की जो बॉडी है वो रेस्टिंग फेज में जीरो, ठीक है, रेस्टिंग फेज में चल रही है. बेटा ये कहीं नहीं जाएगी, रुकी रहेगी जब तक इसमें बाह बल नहीं लगाएंगे, ठीक है. और अगर कोई वस्तु एम टू नाम की कोई वस्तु है जो कंटिन्यू रन कर रही है, ठीक है, रन कर रही है, तो ये तब तक रन करेगी जब तक इसमें कोई बाह बल नहीं लगाया जा सकता. कहने का मतलब ये कि अगर हम इसको रोकेंगे नहीं तो ये रुकेगी नहीं, और इसको जब तक हम फोर्स नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ेगी नहीं. तो दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन फॉलो करता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ. न्यूटन फर्स्ट लॉ के अनुसार अगर कहा जाए कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम ही रहेगी, या कोई वस्तु गतिशील अवस्था में तो गतिशील ही रहेगी जब तक उसमें कोई बार बार बल नहीं लगाया जा सकता, उस बॉडी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. तो इनकी परिभाषा आज क्लियर कर लेते हैं. थोड़ा सा जो फर्स्ट लॉ है ना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, उसको कहते हैं जड़त्व का नियम. बड़ा इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं. न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ इनर्सिया. बड़े लॉ ऑफ इनर्सिया कहते हैं, ठीक है. तो देखिए न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ है, फिर से क्लियर कर लो, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं. कभी जड़त्व के नियम के हिसाब से आ जाए, कंफ्यूज मत हो जाना, वो बात सही है, ठीक है. इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ इनर्सिया, ठीक है. इसकी परिभाषा बात करेंगे अभी डेफिनेशन की. तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसकी डेफिनेशन क्या बता देते हैं. न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है मेरे भाई, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान ही रहेगी, या कोई वस्तु या कोई वस्तु विरामा अवस्था में है तो वह विराम ही रहेगी, ठीक है, जब तक कि उसमें कोई बाह बल नहीं लगाया जाए. तो ये परिभाषा हो गई न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसकी डेफिनेशन मैंने आपको दे दिया. यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम ही रहेगी, ठीक है, विराम ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाह बल नहीं लगाया जाए, तब तक उस वस्तु में बदलाव नहीं आएगा, ठीक है. तो ये कंडीशन से मान लो एक
रोड है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक एम मास की बॉडी रख दिया, ठीक है, ये बॉडी अभी यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। यूं कहो कि हमारे पास एक कार है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक कार है। अब ये कार रेस्टिंग फेज में है, ठीक है, तो ये तब तक मतलब आगे नहीं बढ़ेगी जब तक इसमें फोर्स नहीं लगाते हैं, ठीक है, समझे। तो ये विरामावस्था में है, अगर हम इसकी स्पीड कर देते हैं 80, ठीक है, 80 कर दिया, तो अगर वो कोई कोई मतलब कि 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कोई गाड़ी भाग रही है, तो जब तक हम उसमें भाग बलने लगाएंगे तब तक वो कंट्रोल नहीं होगी, रुकेगी नहीं। तो कहने का मतलब यही है इसका कि ऐसी सिचुएशन जिस सिचुएशन में चीज़ें स्टॉप है तो स्टॉप ही रहेंगी, या ऐसी सिचुएशन जिस सिचुएशन में चीज़ें मूव कर रही तो मूव ही करती रहेगी, क्योंकि तब तक मूव करेंगे जब तक उनमें कोई बाहर फोर्स या बाहर बल नहीं लगाया जाएगा, तब तक उस सिचुएशन वो अपने सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। दिस इज द फैक्ट एग्जांपल, इसको नोट कर लीजिए, एग्जांपल दे दीजिए, फ्रैक्शन नोट कीजिए ताकि हम एग्जांपल दे दें। एग्जांपल की अगर बात करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, पहला एग्जांपल है कि जब हम बस में चलते हैं, ठीक है, मान लो कि हम बाइक बस ट्रैवल कर रहे हैं, तो बस में जब हम ट्रैवल करते हैं, ठीक, समझ जाओ, बस में तो ट्रैवल कर रहे हैं, तो बस जो होता है ना वो अचानक ब्रेक लगा देता है, ठीक है, तो हम मुंह के बल आगे गिर जाते हैं, समझ आपको, जब जैसे ब्रेक लगता है बस का स्पीड में है, ब्रेक लगता है तो हम मुंह के बल आगे गिर जाते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी सिचुएशन में जीरो थे, हमारे ऊपर बार बार लगाए गए तो हम आगे जाके गिर गए, या खड़ी हुई बस रेस्टिंग मोशन में है और वो अचानक स्टार्टिंग मतलब स्टार्ट हो गई और चलना स्टार्ट कर दिया, तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं, तो ब्रेक लगा तो हम आगे की तरफ गिरते हैं, स्टार्ट हुई तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं। ये जो फोर्स हमारे ऊपर क्रिएट हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, बस की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी तो रेस्टिंग फेज में थी, ठीक है, कंडीशन, तो ये सारा का सारा कंडीशन इसमें शो होता है। और हाँ, हम आपको बता दें कि हमारी जो बॉडी है बस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, बस के रिस्पेक्ट में जीरो, अदर के रिस्पेक्ट में, अगर बस भाग रही है 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ना, तो हमारे बॉडी के इतने यहाँ से ऊपर वाला पार्ट जो होता है ना, यहाँ से ऊपर पार्ट वो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बस के साथ भागेगा, और नीचे वाला पार्ट हमारा जीरो हो जाएगा बस के अकॉर्डिंग या कार के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सो आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। सो गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।